आप लोगों ने देखा है कि दो चार रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज विराज होने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम लेता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि हम, मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है, आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है, ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है।